आयशा जो है वो तो मुनावर का जिंदगी भर चेहरा देखना ही नहीं चाहती है, और जब आयशा ने ये बात बोली तो ऐश्वर्या और ईशा ने अपना सर पकड़ लिया। जिस तरीके से इन दोनों की यानी कि आयशा और मुनावर की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, ये घर वालों को काफी कंफ्यूज कर रही है। ऐश्वर्या तो पूछती हुई भी नजर आई, भाई ये है मतलब चल क्या रहा है। ईशा ने आयशा को बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मुनावर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और फिर ऐश्वर्या ने बोला कि तुम्हारा मतलब तुम चाहती क्या हो, तुम्हारे दिमाग में क्या है। तो वो कहती है कि मुझे तो मुनावर अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू सी हर हिज फेस इन माई लाइफ। तो ऐश्वर्या कहती है क्या मतलब कि तुम यहाँ पर उससे अपने कपड़े प्रेस करवा रही हो, उसके लिए खाना निकाल रही हो, वो तुम्हारे साथ खाना शेयर कर रहा है, तुम दोनों नाच गा रहे हो, चिड़िया उड़ तोता उड़ खेल रहे हो, और उसके बाद तुम ये कह रही हो कि मुझे उसका फेस अपनी ज़िंदगी में देखना ही नहीं है। तो क्या आयशा दोगली है, आयशा के बयान दोगले हैं, या मुनावर और आयशा की प्लानिंग है ये, जो ये लोग सोचते हैं कि ऑडियंस इतने बेवकूफ़ हैं कि एक दिन आप आती हैं जस्टिस का नारा लगाते हुए बाहर बोलती हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे नाजिला को भी न्याय दिलवाना है। तो ये घर के अंदर जाकर कौन सा ट्रैक चल रहा है, फिर मैं आपको प्रोमो दिखाती हूँ। मन नहीं लगता ना मेरे बिना, अरे ऐसा लग रहा है आई है ना तो लव एंगल स्टार्ट करते, फर्स्ट डे इतना सुना रही है, सडनली नॉर्मल हो गया। खेल बड़ा बदनाम रे, मुनावर इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, व्हाट्स योर स्टेटस राइट नाउ? आई डोंट वांट हिम इन माय लाइफ एट ऑल, आई वुड नेवर वांट टू सी हिज फेस अगेन। तो ऐश्वर्या का एक्सप्रेशन देखा जब इसने बोला कि मुझे उसका तो चेहरा ही नहीं देखना है, तो ऐश्वर्या कहती है क्या सुन रही हूँ मैं, मतलब आप जो वर्ड्स हैं आपके आपके एक्शन से मैच कर रहे हैं क्या? आप घर के अंदर आकर कर क्या रही हैं, दिखा क्या रही हैं, बोल क्या रही हैं, और हो क्या रहा है? आप आई किस लिए थी और हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि वो जो बाहर की जो प्री प्लानिंग थी ना इनकी, कि हम दिखाएंगे कि हम एक दूसरे को जानते नहीं, फिर मिल जाएंगे, फिर हमारा ये जो मुनावर और इसने प्री प्लानिंग की थी, वो रिवर्स प्लानिंग के साथ अब आयशा आई है कि मैं दिखाऊंगी कि मैं तो तुम्हें जानती हूँ और अब मैं तुमसे अनजान हो जाऊंगी, पर वो दिखाऊंगी कि मैं तुम्हें जानती हूँ वाला ट्रैक तक सही रहा, उसके बाद मुझे लगता है वो ट्रैक भटक गई, तो स्क्रिप्ट जो है लगता है खो गई आयशा की। पर जो भी है, एक बात तो तय है कि यहाँ पर इन दोनों के ड्रामे में ऑडियंस को बेवकूफ बनाया गया, 3 दिन प्रोमो चलाया गया कि भाई आयशा आ रही है जस्टिस के लिए, और जो उसे जस्टिस मिला और उसके बाद वो जो कर रही हैं, ऑडियंस ही नहीं घर वालों के भी जो एक्सप्रेशंस हैं वो यही बताते हैं कि वो भी कंफ्यूज हैं कि ये हो क्या रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।